YouTube चैनल पर स्वागत है टू स्टेप्स में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप किसी भी फ़ोन को आसानी से हैक कर सकते हो सिर्फ एक एप्लीकेशन के ज़रिए। तो वो कैसे होगा सब की जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहिए। तो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। देखिए, इस एप्लीकेशन का नाम है, वो आपको मैं नाम के साथ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो इसकी कुछ कंडीशंस है, वो आपको फॉलो करनी ज़रूरी है तभी आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए, अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके क्लिक कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ, अगर किसी भी फ़ोन पे आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उस फ़ोन में आपको ये सेटिंग्स करनी होती है। जैसे कि मेरा फ़ोन है और मुझे अपने जो फ़ोन है मेरा सेकेंड फ़ोन, उसको स्वाइप करके रखना है। तो मैं कैसे करूँगा, उस फ़ोन में जाऊँगा, वहाँ पर ये एप्लीकेशन में इंस्टॉल कराऊँगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ये सेटिंग्स से आगे और फॉलो करूँगा। देखिए स्क्रीन पर जो रहा होगा आपको, इस मोबाइल में आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है, सेटिंग ऑप्शन में जाना है, सेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वहाँ पे लॉक स्क्रीन है सिक्योरिटी, ये ऑप्शन सी वो होता है, आपको ये क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद अननोन सोर्सेस, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, मतलब ऑफ करना है, सॉरी ऑन करना है इसे। तो इससे क्या होता है, अननोन सोर्सेस का अगर आप एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हो, अननोन सोर्सेस का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्ले स्टोर से बाहर अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन को ऑन करके रखना है, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे। और इंस्टॉल करना है तो ये आपको ऑन होना ज़रूरी है, अगर ये ऑफ है तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते प्ले स्टोर से बाहर कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, ये अगर आपको कुछ दिक्कत हुई इसके बारे में, नहीं समझ पा रहे टॉपिक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी डिटेल्स आपको दे दूँगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो हो गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है प्ले स्टोर का। मतलब आपको पता होगा प्ले स्टोर में गूगल का है ये प्ले स्टोर, पूरा प्ले स्टोर में उन्होंने एक ऐसा फीचर हमें दिया है कि कोई भी एप्लीकेशन उसमें वायरस होता है या कोई भी मालवेयर वॉटवेयर होता है तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है प्ले स्टोर में ही, और वो अपने फ़ोन में हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। और उसके साथ ही अगर फ़ोन को भी सिक्योर करता है, मतलब प्ले स्टोर से अगर आपका आईडी लिंक है तो आप फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो मतलब वो वायरस है कि नहीं या कुछ प्रॉब्लम है उस एप्लीकेशन में आपको बता देता है पूरी तरह। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे सेटिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सॉरी सेटिंग नहीं, उसके ऊपर प्ले प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा। प्ले प्रोडक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ना, वहाँ पे आपको स्कैन डिवाइस सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब गूगल जो है रेगुलरली चेक करते रहता है कौन सा एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, आपके फ़ोन को हार्म करता है या नहीं, या किसी भी डिटेल सिक्योरिटी पर्पस से चेक करता है पूरा। ये अभी डिफ़ॉल्ट में ऑन ही होता है, तो आपको इसे सिर्फ ऑफ करना है। इसे आप ऑफ करोगे ना तो उसे क्या होता है पता है, ऑफ करने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आपने एक सर मेरा जो फ़ोन है उसमें नंबर पे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, करने के बाद तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये दो सेटिंग ऑन होती है तो मुझे एरर आ जाएगा, दो सेटिंग को मुझे ऑफ करना है तो ये एप्लीकेशन उस नंबर में रन हो पाएगा। ओके, इस वेबसाइट में मुझे जाना है, वेबसाइट में जाने के बाद एप्लीकेशन में डाउनलोड करता हूँ तो कुछ इस तरह दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन का आपको जनरल नाम है इंस्टॉल करते वक्त शो होगा, सिस्टम सर्विस ये शो होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर लिखा जाएगा ये स्पाई एप्लीकेशन है, सब कुछ नहीं है, सिस्टम सर्विस करके आपको शो होगा। इतनी सारी परमिशन से ये लेता है जब एप्लीकेशन रन हो सकता है, और डिवाइस की जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें भी आप कर सकते हो, तो फुल फ़ोन का इससे एक्सेस मिल जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे सिलेक्ट किया, आपको मैं फ़ोटो में बता रहा हूँ, बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप समझ लीजिए, आपका इंटरेस्ट आता है वीडियो में, अगर आप मुझे लगता है आपको पूरा डिटेल जानना है टू जेड पूरी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, साथ में इससे आप इनकम भी कर सकते हो। वो भी इनकम कैसे होगी इसका मैं पार्ट टू लेके आऊँगा, उसमें आपको सारी जानकारी बता दूंगा। ठीक है, ये तो रही बात अभी इनकम की, आप इनकम कर सकते हो इससे बहुत अच्छी इनकम, जो बाकी आपको मिलता है ना इनकम उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको इनकम यहाँ पे मिलेगी ऑनलाइन में, तो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे थे हम, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ओके करना है, ओके करने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शन होंगे, एक लॉगिन का
अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है तो रजिस्टर करके रखा है तो लॉगिन कीजिए। लॉगिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ पर नेम पूछा जाएगा। नेम में आपको आपका नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर नेम का मतलब होता है कि ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको एक यूनिक पासवर्ड देना है उसको, जिससे आप बाद में एक्सेस कर पाओगे आपका कंट्रोल पैनल को। देखिए आपने मेरे रजिस्टर कर लिया, पहले आपको ईमेल आईडी रखना है, उसके बाद दो बार पासवर्ड आपको पूछेगा, दोनों बार सेम रखना है, फिर आगे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद फिर लॉगिन पेज आपको आएगा, लॉगिन पेज पे क्लिक कीजिए। आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर है उस पर एक आपको एक्टिवेशन का मेल आएगा, उस पर क्लिक करके सिर्फ एक्टिव करना है आपको। एक्टिव होने के बाद देखिए सामने आपको ऐसा कुछ रिसर्च होगा। अगर आपका फ़ोन जो है रूटेड है तो उसमें आपको सुपर यूजर की परमिशन देनी होगी, रूटेड नहीं है तो नॉर्मल प्रोसेस होगा। उसके बाद वहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा, फ़ोन को आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है कि नहीं। तो देखिए वहाँ पे आपको ना ऑप्शन है एक्टिव करने का, तो एक्टिव ज़रूर कीजिए क्योंकि मेन काम तो वही से होता है। एक्टिव कीजिए, एक्टिव करने के बाद आपको शो होगा रजिस्टर ईमेल आईडी आपका, उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो उसे सिलेक्ट कीजिए। लोकेशन ऑन है ऑफ है ऑफ पर शो होगा, कंट्रोल पैनल आपको कहाँ से चेक कर सकते हो वो शो होगा, डिवाइस जरूर है कि नहीं वो शो होगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको लास्ट स्टेप में बताए जाएंगे, हाइड आइकॉन जो एप्लीकेशन का नाम है और अनइंस्टॉल पैकेज। तो यहाँ से क्या होता है, एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आप हाइड कर दोगे उससे क्या होगा, कोई एप्लीकेशन बंदा देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है अनइंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको ये इस एप्लीकेशन में ऑप्शन है अनइंस्टॉल पैकेज का, तो यहाँ से वो एप्लीकेशन आप फ़ोन से अनइंस्टॉल कर सकते हो काफ़ी आसानी से। इंस्टॉल होने के बाद आपको बस सिंपल सा प्रोसेस करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये इंस्टॉल होने के बाद हाइड आइकॉन का प्रोसेस करना है आपको। हाइड आइकॉन का प्रोसेस करने के बाद आपको एक उनकी तरफ से ना कोड दिया जाएगा, ये कोड आपको डायलर में जाकर टाइप करना है। जैसे कि देखिए जिस फ़ोन में इंस्टॉल है उस फ़ोन से ही आपको टाइप करना है। एग्जाम्पल मेरे सेकेंड फ़ोन में मैंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद मुझे उसी फ़ोन से एक कोड डाल करना है #2013*। तो ये डाल करने के बाद ये एप्लीकेशन का आइकॉन ओपन होगा और इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। देखिए ऐसे इंटरफेस मुझे शो होगा बाद में, या तो सेकंड जो इंटरफेस होगा दोनों में से कोई भी एक। ओके मैं बता दूँ इस वन सेकेंड, हाँ कुछ इंटरफेस मुझे ऐसे ही शो होगा। तो शो होने के बाद मैं आपसे देखिए ये हाइड आइकॉन और अनइंस्टॉल पैकेज ये इंटरफेस मुझे शो होगा। हाँ तो यहाँ से मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ या इंस्टॉल है तो उसे मैं चेक कर सकता हूँ इंस्टॉल है कि नहीं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और भी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए भी ये डिटेल्स मैंने आपको बताई है। ये एजुकेशनल पर्पज़ है, ये किसी को हार्म पहुँचाने के लिए नहीं है बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ से आपको डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग सर्च करते रहते हैं जिनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल पाए इस बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है दोस्तों, किसी मोबाइल को या किसी पर्सन को हार्म करने के लिए नहीं है बिल्कुल। और भी इसके रिगार्डिंग सेकेंड पार्ट आ जाएगा, आप डिटेल हमें कमेंट में कीजिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स चेक करके तो भाई साहब को एक वीडियो बना के दे दूँगा, उसमें पूरी डिटेल्स से टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। साथ में इनकम कैसे कर सकते हो बहुत ही अच्छी, वो भी आपको टिप मिलने वाली है इसके साथ। आईडोन टिप है फ्री में मिलेगी आपको, कोई इशू नहीं है। खाली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको काफ़ी अच्छी इनकम होने वाली है अगर उस प्रोसेस में आप काम करते हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग।